अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? चलें जी, स्टार्ट कर रहे हैं ओरिएंटेशन। चलो बिस्मिल्लाह। बेटा जी, SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। देखो, पहले तो इसका नाम ही पढ़ लो, बिजनेस रिपोर्टिंग। यानी अब जहन ये बनाए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बेसिकली आपका काम ही कम्युनिकेट करना है। यू आर कम्युनिकेटर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बंदा कम्युनिकेटर होता है। कैसे कम्युनिकेट होता है? एक तरफ कंपनी की डिफरेंट ट्रांजेक्शन होती है, कंपनी के डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जो उसको पता लग रहे होते हैं, अब उसने वो शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अच्छा, हिस्टोरिकली हम इस कम्युनिकेशन को सिर्फ मांगते थे कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना के, यानी नंबर क्रंचिंग करके भेज दो, काफी है। लेकिन सच ये है, और आप इस पेपर में पढ़ेंगे, ऐसे बहुत से आर्टिकल्स एग्जामिनर ने भी लिखे हैं, कि सिर्फ नंबर क्रंचिंग और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और SOFP अब शेयर होल्डर के लिए काफी नहीं है। अब उसके अलावा बियॉन्ड दिस बहुत सारी चीजें जिसमें आप लोग पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आप लोग पढ़ेंगे, मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ेंगे, कि अब दुनिया में कितनी और चीजें आ रही हैं, और गोइंग फॉरवर्ड, जैसे हम सब जानते हैं कि हम सब ने पढ़ा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑलवेज फॉर पास्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑलवेज फॉर पास्ट। तो सिर्फ पास्ट की अकाउंटिंग आप करोगे तो काफी नहीं है, क्योंकि लोग इसी पास्ट को देख के फ्यूचर के डिसीजन लेते हैं। लोगों को तो ये देखना है कि आगे शेयर प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आगे कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं ब्राइट है। तो इसीलिए अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और ऐसी चीजें भी आ गई जिसमें आप बिजनेस मॉडल समझाते हो, जिसमें अदर देन सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से हटके, जैसे आप लोगों को पता होगा, अभी लास्ट ईयर ट्रंप ने, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने, चाइना के साथ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि चाइना की इंपोर्ट्स पे बहुत सारे बैन लगवा दिए थे। तो उसके बाद कितने बिजनेसेस को इफेक्ट हुआ, सोचो। तो ये डेफिनेटली कितने बिजनेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी को और लॉन्ग टर्म विजन को इफेक्ट करेगा। तो अब बेशक राइट नाउ ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में तो ये नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको आपने मैनेजमेंट कॉमेंट्री में तो लिखना है ना, कि ऐसे इवेंट्स की वजह से हम पे क्या हिट आएगा, और फिर इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, ये सारी चीजें, राइट। तो अब जो ये पेपर है ना, ये कम्युनिकेशन का पेपर है, याद रखना कम्युनिकेशन का पेपर है। एक और चीज देखें, अब आप लोग अगर गौर करें तो इसका जो ओल्ड पेपर था वो था P2 का पेपर, वो काफी हद तक नंबर क्रंचिंग पे था, उसमें कंसोलिडेशन भी पूरा प्रैक्टिकल, यानी फर्स्ट 35 मार्क्स उसका टोटल प्रैक्टिकल होता था। लेकिन अभी जो पिछले 6-7 अटेम्प्ट का जो फीडबैक बच्चों का अगर मैं आपको बताऊं ना, तो बच्चे कहते हैं कि 15 या 20 मार्क्स पे वी हैव टू यूज द कैलकुलेटर एंड रिमेनिंग 80 मार्क्स इज टोटल डिस्कशन बेस्ड, थियरी बेस्ड, राइट। तो इसका मतलब इसमें थियोरेटिकल डिस्कशन बहुत ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? देखें, इस वक्त दुनिया में जितनी भी नंबर क्रंचिंग का काम है तो सॉफ्टवेयर कर देता है, इनकम स्टेटमेंट, SOFP, ये सब तो सॉफ्टवेयर बना रहा है, और ये तो अभी का बहुत पहले से बना रहा है, अब तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस सिस्टम और क्या क्या आ गए। तो अब सिर्फ अकाउंटेंट का क्या काम रह गया बताऊं, कि अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्वेस्टर को समझा दें कि भाई इसके क्या मीनिंग है, यानी तभी वो अब एक्सप्लेनेशन बेस्ड कर रहा है, क्योंकि वो काम इंपॉर्टेंट है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो वैसे ही सॉफ्टवेयर बना लेता था, तो अब बस कम्युनिकेशन, यानी आप इंटरप्रिटेशन उसकी समझा दो, राइट। नाउ अब आई हैव रिटन द ग्लोबल पासिंग रेट, एवरेज ग्लोबल पासिंग रेट इसका है 50-55, लेकिन पाकिस्तान में लकीली इसका पासिंग रेट अच्छा है, इससे भी अच्छा है, यानी मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह पासिंग रेट 70-80% के करीब टच होता है। तो इसका अच्छा पासिंग रेट होने की बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि जब हम प्रोफेशनल लेवल पर पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हमारे पास क्रीम बच्चा होता है, जैसे एक पार्ट वन का बच्चा होता है, वो क्रीम थोड़ी होता है, उसमें तो सब आए हुए होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचते पहुंचते बच्चा बहुत जगह जगह से घूम फिर के आ रहा होता है, घाट घाट का पानी पिया हुआ होता है, और उसकी बेस स्ट्रांग होती है, तो फिर यहाँ उसको अलाइन करना मुश्किल नहीं है। फिर मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि F7 को पास करना शायद ज्यादा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू SBR, SBR पास करना आसान है, ये याद रखना। क्यों?
जहां नंबर्स वाला पेपर होता है तो वहां क्लोज आंसर होता है, एक आंसर होता है, वो आंसर सही हुआ तो मार्क्स मिलेंगे, गलत हुआ तो मार्क्स गए, राइट। लेकिन जहां थियोरेटिकल होता है ना, जहां थियोरेटिकल होता है वहां आपके ओन वर्ड्स के भी मार्क्स होते हैं, तो वहां बहुत रूम होता है आपको पास होने का, ये हमेशा याद रखना। तो इसी वजह से एसबीआर का पासिंग रेट कंपैरेटिवली अच्छा है, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज द पेपर फॉर्मेट? सबसे पहले आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर वन और टू, पहले याद रखना देयर इज नो चॉइस, नो चॉइस एट ऑल, अब किसी पेपर में भी चॉइस नहीं है, इसी के भूल जाओ चॉइस को। देखें मैंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर वन प्लस टू 50 मार्क्स। सर ये क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर वन अलग से मार्क्स नहीं दे सकते? नहीं, ये एग्जामिनर के मर्जी है कि ये इसको 30 और 20 का स्प्लिट करे, ये एग्जामिनर की मर्जी है कि ये इसको 30 का पहला क्वेश्चन नंबर वन और 20 कर दे, ये 27 23 कर दे, वो कोई भी स्प्लिट अपनी मर्जी से करेगा, वो उसकी आजाद है, वो सही है। बहरहाल ये सेक्शन ए 50 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर वन में यू विल हैव कंसोलिडेशन, क्वेश्चन नंबर वन में यू विल हैव कंसोलिडेशन प्लस आईएस और आईएफआरएस। सुनो यहां देखते रहे, कंसोलिडेशन मैंने साथ लिखा आईएस और आईएफआरएस। देखो बेटा F7 लेवल पे जब आप लोग पढ़ते थे ना तो कंसोलिडेशन का सवाल प्योर कंसोलिडेशन होता था, हाँ यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ कंसोलिडेशन वाले सवाल में आधा कंसोलिडेशन होगा, बाकी कोई और स्टैंडर्ड टच हो रहा होगा, यानी मिक्स एंड मैच होता है, मिक्स एंड मैच होता है, राइट। अच्छा अब देखो एक चीज मैं और बताऊं यहाँ आपको, तवज्जो से सुनना मेरी बात। आप SBR जिस दिन से लॉन्च हुआ है ना उसकी सितंबर 2018 का पास्ट पेपर देख लो उठा के, फिर दिसंबर 18 देखो तो टोटली डिफरेंट, कितनी चीजें गायब, जो बोला था उससे मुकर गया। मार्च 19 फिर टोटली डिफरेंट, जून 19 और डिफरेंट, यानी पिछले पेपर के सामने बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि फ्रेमवर्क भर भर के दिया तो बच पूरा शहर फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क, अगले टाइम में फ्रेमवर्क का नाम भी नहीं है। अच्छा करीब तीन चार अटेम्प्ट ऐसी लगातार दी, तीन चार अटेम्प्ट में 12-12 मार्क का सिर्फ कंसोलिडेशन, तो बच्चे एक मार्केट में आवाज आने लगी क्या सिर्फ 12 मार्क का कंसोलिडेशन आ रहा है, तो कंसोलिडेशन पे हम इतना टाइम क्यों दें? कंसोलिडेशन एक एक महीना पढ़ते हैं, एक महीना हम लोग, मैं खुद एक महीना पढ़ाता हूँ कंसोलिडेशन, तो एक महीना पढ़ने के बाद 12 मार्क लेने से बेहतर है वो छोटे छोटे टॉपिक जो 15-15, 20-20 मार्क के आ रहे हैं वो नहीं करके चले जाए बंदा, सीधी बात है आपने तो पास ही होना है ना। तो बेटा जरा एक बात हो, चार अटेम्प्ट तक 12-12 मार्क, और फिर एक बार अभी जो अटेम्प्ट गुजरी है ना रिसेंटली जो दिसंबर 2019, उसमें करीब 40-42 मार्क का कंसोलिडेशन, दूसरे और सवालों में भी कंसोलिडेशन की चीजें, तो भाई एकदम ये चेंज भी करता और दिस इज गुड। व्हाई? बिकॉज इन आप जब किसी प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी पे काम करेंगे और यू लुक एट द एनवायरमेंट इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, वी ऑल नो दिस, कॉन्स्टेंट चेंज आ रहा है हर रोज, एक नया चैलेंज, कभी इस मुल्क ने इसको बैन कर दिया, अभी रिसेंटली इतना बड़ा चैलेंज कोरोना वायरस आ गया, ये आ गया वो आ गया, ऐसी कितनी चीजें रोज चैलेंज है, यानी आज आप रोज सुबह जॉब पे जाते हो तो यू फाइंड अ न्यू थिंग, तो एग्जामिनर भी आपको उसी के लिए तैयार कर रहा है, तो वो एक फिक्स फॉर्मेट पे नहीं चल सकता, वो चेंज करेगा, वो चेंज करेगा। ओके राइट, तो क्वेश्चन नंबर वन में यहाँ एसबीआर लेवल पे कंसोलिडेशन के साथ आईएस आईएफआरएस की थ्योरी भी आती है। क्वेश्चन नंबर टू में एथिक्स आता है, एथिक्स प्लस आईएस आईएफआरएस। मेरी नजर में पूरे एरिया, पूरे कोर्स का सबसे आसान क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू होता है। एथिक्स एक ऐसा एरिया है जिसमें रेडीमेड आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और आप जानते भी हो, देखो एथिक्स अब आपके पूरे एसीसीए पे स्प्रेड हुआ हुआ है, और आप जानते हैं कि कॉमर्स, आप लोग एसीसीए इज अ कॉमर्स स्टडी ना, तो कॉमर्स की स्टडी ग्रीड बेस्ड स्टडी है, लालच बेस्ड स्टडी है, तो जब ग्रीड बेस्ड और लालच बेस्ड स्टडीज होंगी ना तो वहां पर लोगों का मकसद सिर्फ एक ही होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कुछ भी करके क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए फिर आप कुछ भी कर सकते हो यार, अपनी कॉस्ट को कम करने कोई भी अनएथिकल एक्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज सुन ले, दुनिया भर के प्रोफेशनल ट्रेनर्स एक बात एसबीआर की ट्रेनिंग करते वक्त ये बात बताते हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, हमें ट्रेनिंग में भी सिखाया गया था कि इन एसबीआर ऑलवेज फर्स्ट यू विल हैव एन अकाउंटिंग इशू एंड देन देयर विल बी एन एथिकल इशू, यानी पहले एक अकाउंटिंग इशू होगा और फिर उसके अंदर एथिकल इशू होगा, यानी अकाउंटिंग के अंदर कुछ गड़बड़ेशन हो रही होगी, अकाउंटिंग करते हुए ऐसी कुछ गड़बड़ करोगे जो अनएथिकल होगी। जैसे एक मिसाल देता हूँ, ये हिस्ट्री में क्वेश्चन आ चुका है कि हमसे बैंक ने लोन मांगा, सॉरी हमने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, तो आपको पता है बैंक से आप अगर लोन के लिए अप्लाई करो ना तो दे ऑलवेज एस्क फर्स्ट दिस थिंग
कि हाउ विल यू रीपे, व्हाट्स योर रीपेमेंट प्लान, आप रीपे कैसे करोगे। इवन मैं अपनी मेरी अपनी आदत है, कोई मुझसे भी लोन मांगता है मैं फौरन से अगला सवाल करता हूँ, बेटा रीपे कैसे करोगे, सीधा उसूल है। तो आपको एक कैश फ्लो फोरकास्ट बना के देनी होती है कि हम भाई इस तरह ये आएंगे तो इस तरह पैसे आपके रीपे करेंगे। तो एक सवाल आया था हिस्ट्री में, P2 के टाइम पे आया था, अब तो SBR हो चुका है, कि आपने एक बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया है और आपका बॉस आपको बोल रहा है कि यार ये जो बैंक ने कैश फ्लो मांगे हैं, फ्यूचर कैश फ्लो फोरकास्ट मांगी है, तो उस कैश फ्लो फोरकास्ट को ओवर स्टेट करके बता दो ताकि बैंक हमें आराम से लोन दे दे। तो यस, दिस इज अनएथिकल प्रैक्टिस। तो जहन में रखना कि यहाँ SBR लेवल पे ऑलवेज यू विल हैव, फर्स्ट देयर विल बी एन अकाउंटिंग इशू एंड देन देयर विल बी एन एथिकल इशू। इसके ऊपर लंबा लेक्चर है, अभी मैं वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं सिर्फ दो क्वेश्चन पे बात किया, अब मैं डायरेक्टली आ रहा हूं कि यहां के कंसोलिडेशन में, माय डियर स्टूडेंट्स, और F7 लेवल के कंसोलिडेशन में व्हाट इज द डिफरेंस, देयर इज अ बिग डिफरेंस। ओके, लेट्स, ये देखो ये रहा हम लोग, हमारे यहाँ कंसोलिडेशन क्या क्या है, देखो सुनो। सबसे पहले तो टीचर आपको जब पढ़ाएगा तो आपको सारा बेसिक्स, ऑल बेसिक कंसोलिडेशन कराएगा, ऑल बेसिक कंसोलिडेशन कराएगा। हाँ, वही F7 वाला, कि ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, होल्डिंग परसेंटेजेस, देन गुडविल निकालना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सिखाना, P2S सेल, S2P सेल, ये सारी तफसीलात टीचर आपके सामने पेश करेगा, सारी की सारी तफसीलात टीचर आपकी खिदमत में पेश करेगा। ओके, ये सारी इस पे क्लास होगी। देन यू विल हैव द सेकंड टॉपिक, स्टेप एक्विजिशन, यानी आहिस्ता आहिस्ता कंपनी की तरफ बढ़ना। बेटा जी, आप लोग जब F7 पढ़ रहे थे तो उसमें आपको टीचर्स यूं पढ़ाते थे कि आप एक वन शॉट में कंपनी बाय कर लेते थे, यानी क्या होता था, डायरेक्ट एक कंपनी का 80% शेयर खरीदते थे और वो कंपनी आपकी हो जाती थी। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। देखो, यहां मैं स्टेप एक्विजिशन समझा रहा हूं, आप आहिस्ता आहिस्ता कंपनी की तरफ पेशकदमी करोगे। देखो, ये स्टेप एक्विजिशन है, सामने देखें, आई से मुराद, देखो मैंने लिखा है ना, आई का मतलब होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी लेट अस से आपने एक कंपनी के सिर्फ 10% शेयर्स बाय किए, तो अगर आपने एक कंपनी के सिर्फ 10% शेयर बाय किए ना, तो ना आपके पास कंट्रोल आएगा, ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कुछ भी नहीं आया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ये बस, ठीक है। अब केस नंबर वन क्या आता है कि आपके पास 10% शेयर थे, आपने 20% शेयर और खरीदे तो आप एसोसिएट पे आ गए, यानी वो कंपनी आपके पास सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी, अब आपने 10% के बाद 20% शेयर और खरीदे तो नाउ You have significant influence. तो एक केस आता है I2A, थोड़ा अपग्रेड हो गया, सही है। फिर एक केस ऐसा भी आता है कि आपके पास एक कंपनी के 30% शेयर्स थे, that means आपके पास significant influence था, अब आपने 40% शेयर्स और खरीदे तो अब वो आपकी सब्सिडरी बन गई, तो इसको बोलते हैं associate to subsidiary. ओके, अब एक और केस भी आता है, देखें यहाँ, तवज्जो प्लीज बेटा, प्लीज अटेंशन। I2S, मेरे पास एक कंपनी के, ये देखो, मेरे पास एक कंपनी के ओनली 10% शेयर थे, 10% मींस ट्रेड इन्वेस्टमेंट ओनली। ओके, अब मैंने 60% शेयर और बाय कर लिए तो मैं एकदम 70% पे आके खड़ा हो गया, तो एकदम मेरे पास कंट्रोल आ गया, यानी बॉर्डर क्रॉस हो गया, तो इसको बोलते हैं I2S, ठीक है। ये सारे केसेस हमारे पास। और बेटा, एक आखिरी केस आता है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, जिसको हम बोलते हैं सब टू सब। आंखें खोलें, मेरे पास एक कंपनी के ऑलरेडी 60% शेयर थे, तो ऑलरेडी अगर मेरे पास एक कंपनी के 60% शेयर होंगे तो ऑलरेडी मेरे पास कंट्रोल होगा ना, ऑलरेडी मेरे पास 60% शेयर होंगे तो मेरे पास क्या होगा, कंट्रोल होगा ना, हाँ। तो अब मैंने उस कंपनी के 20% शेयर और खरीदे, तो जब मेरे पास ऑलरेडी 60% थे तो भी कंट्रोल था, अब 60 से मैं 80 पे शिफ्ट हो गया तो भी कंट्रोल है, तो पहले भी कंट्रोल था अब भी कंट्रोल है, तो इसको कहते हैं सब टू सब। क्या बोलते हैं? सब टू सब। ओके, तो ये सारे स्टेप एक्विजिशन के केसेस हैं जिसमें आप आगे की तरफ पेशकदमी करते हो, सही है। गौर से देख लें। राइट, अब बेटा इसी स्टेप एक्विजिशन का एक उल्टा है, बिल्कुल उल्टा, उसका नाम है डिस्पोजल्स। माय डियर स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर, यू डिड वन केस ऑफ डिस्पोजल इन योर एफ सेवन, यू ऑलरेडी स्टडी डिस्पोजल, बट ओनली वन केस। देखें, टेक ओवर क्या होता है, चलते हुए बिजनेस को खरीदना, और इसी तरह डिस्पोजल इसका उल्टा होता है, चलते हुए बिजनेस को बेचना। तो आपने F7 लेवल पे चलते हुए बिजनेस को बेचने की अकाउंटिंग की है, ओके? नाउ बात सुने,
डिस्पोजल्स क्या है, मैं कहता हूं स्टेप एक्विजिशन का उल्टा है, डिस्पोजल स्टेप एक्विजिशन का उल्टा है। अब देखो इसके अंदर कितने केसेस ने देखे हैं, पांच केसेस हैं। पहला केस, आपके पास एक कंपनी के ऑलरेडी देखो 80% शेयर थे और 80% से सारे के सारे एक साथ आपने बेच दिए, ये F7 में आपने पढ़ा, वन शॉट पूरी कंपनी बेच दी, पूरा चलता हुआ बिजनेस एक शॉट में पारित कर दिया, तो इसको बोलते हैं सब्सिडरी टू 0%, यानी पूरा गया, ठीक है। फिर एक होता है सब्सिडरी टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यू हैड 80% शेयर्स, आपके पास 80% शेयर्स थे एंड यू सोल्ड 70%, सो नाउ यू केम टू 10%, तो ये कहलाएगा S2I, ये कहलाएगा S2I, सही है, सब्सिडरी टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सब्सिडरी टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हाँ, इसमें भी कंट्रोल चले गया क्योंकि 80 से 10 पे आ गए तो कंट्रोल तो चले गया, तो ये भी कंट्रोल जाने वाला है। फिर 80-30, आपके पास एक कंपनी के 80% शेयर्स थे और आपने 80 में से 50% शेयर्स बेच दिए, तो पहले वो इदारा आपके लिए सब्सिडरी था, अब वो इदारा आपके लिए एसोसिएट है, राइट, तो अगेन यू लॉस्ट द कंट्रोल। इन तीनों केसेस में यू लॉस्ट द कंट्रोल, ओके, इन तीनों केसेस में यू लॉस्ट द कंट्रोल। नाउ एक और केस होता है A to I, एक और केस होता है जिसको हम बोलते हैं A to I, आपके पास एक कंपनी के ऑलरेडी 30% शेयर थे, आपके पास एक कंपनी के ऑलरेडी 30% शेयर थे यानी वो एसोसिएट थी, अब आपने 20% बेच के एक सिंपल ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे आ गए A to I, राइट। एंड फाइनली सब टू सब, देखो उसमें भी सब टू सब था, इसमें भी सब टू सब है, आराम से देखें। देखें आपके पास एक कंपनी के 80% शेयर थे, तो ऑलरेडी कंट्रोल था ना, 80% मींस यू हैड पावर, यू हैड कंट्रोल, राइट। नाउ यू जस्ट सोल्ड 20%, तो जब आप पहले 80% पे थे तो NCI 20% पे था, अब आप 60 पे आ गए, NCI 40 पे आ गए, बट स्टिल यू हैव कंट्रोल, राइट। तो सब टू सब देखो, यहां भी ये देखें, देखें स्क्रीन पे देखें, स्टेप एक्विजिशन में भी है और यहां भी है, राइट। तो एक बड़ा अच्छा सा एरिया ये, और एग्जामिन भी होता है, डिस्पोजल का एरिया, डिस्पोजल का एरिया एग्जामिन भी होता है, एक नजर देख लें इसको। Then we have consolidated SOCI. Consolidated SOCI, जिस तरह आप F7 पे income statement SOCI पढ़ते थे, तो यहाँ भी दो इदारों की consolidated SOCI है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, डिस्कशन होती है इसकी। Then the fifth topic is consolidated cash flow, very good topic. बेटा आपने statement of cash flow IS7 अपनी जिंदगी में दो बार पढ़ा है, please alert, एक बार आपने F7 में पढ़ा है, एक बार आपने F7 में पढ़ा है और एक बार आपने F3 में पढ़ा है IS7, और अगर A-levels किया हुआ तो वहां भी कैश फ्लो पढ़ी हुई है, वहां सॉरी वहां आप एक सिंगल इदारे के लिए कैश फ्लो पढ़ते थे ना, यहाँ आप पूरे ग्रुप के लिए पढ़ रहे हैं, वहां आप एक सिंगल इदारे के लिए पढ़ते थे, यहाँ पूरे ग्रुप के लिए, यानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए कंसोलिडेटेड कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, सही है। तो अब एक मिनट, ये बड़ा मजेदार टॉपिक है और एक चैलेंजिंग भी है, लेकिन मजेदार बहुत है, सुने मेरी तरफ देखना। जब आप लोगों ने बचपन में कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या SOFP पढ़ी थी, तो टीचर उस वक्त जिस टीचर से ही पढ़ी है, टीचर एक नियत करवाते थे, कंसोलिडेशन में एक नियत कराई जाती है कि कंसोलिडेशन में पूरे ग्रुप को एक जिसमें वाहिद ट्रीट किया जाता है, कंसोलिडेशन में पूरे ग्रुप को एक जिसमें वाहिद ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ कंसोलिडेटेड कैश फ्लो पढ़ते वक्त आप सारे कैश फ्लोज भी वही लेंगे जो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, जो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। मैं अब तुम्हें मिसाल देता हूँ, सुनो, मिसाल दे रहा हूँ, सुने। आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है, पी कंपनी ने एस कंपनी के 70% शेयर्स खरीदे हुए हैं, और तो देखना, बड़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं। पी कंपनी ने एस कंपनी के 70% शेयर्स खरीदे हुए हैं, पी कंपनी ने एस कंपनी के 70% शेयर्स बाय किए हुए हैं, राइट, ओके, पी कंपनी ने एस कंपनी के 70% शेयर्स खरीदे हुए, इसका मतलब NCI के पास 30% है। आज एस कंपनी जो है ना वो डिविडेंड दे रही है, आज एस कंपनी डिविडेंड दे रही है, और एस कंपनी ने डिविडेंड दिए, अज्यूम करते हैं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ 10,000 के, टोटल डिविडेंड कितने दिए 10,000, तो कोई भी इदारा डिविडेंड देता है ना, कोई भी इदारा डिविडेंड, मेरी तरफ देखें, कोई भी इदारा डिविडेंड देता है ना, तो अपने सारे शेयर होल्डर को देता है। तो अब देखो इधर देखो, एस कंपनी ने जब 10,000 के टोटल डिविडेंड दिए ना, तो 10,000 के डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देगी,
तो उसमें से 70% तो यहाँ जाएंगे, उसमें से 70% 7,000 के डिविडेंड तो पेरेंट पेरेंट कंपनी सब्सिडरी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होती है, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होती है, राइट। तो 7,000 कहाँ जाएंगे? पेरेंट के पास, और बाकी 3,000 जाएंगे एनसीआई के पास। हाँ, एस कंपनी ने जो टोटल 10,000 के डिविडेंड दिए उसमें से 7,000 पेरेंट कंपनी के पास जाएंगे और 3,000 एनसीआई के पास जाएंगे, ऐसा ही है। हाँ, अब मुझे बताएं कि ग्रुप के एंगल से कौन सा कैश फ्लो रिलेवेंट है। ये रहा ग्रुप, ग्रुप ये सर्कल है, देखो ग्रुप ये सर्कल है। तो भाई 10,000 में से 7,000 तो अंदर ही अंदर रहे ना, 10,000 में से 7,000 इधर देखें, 10,000 में से 7,000 एक जेब से निकल के दूसरी जेब में गए, एक जेब से निकल के दूसरी जेब में गए, तो बॉडी के अंदर ही अंदर घूम रहे हैं ना। तो 7,000 कोई ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो नहीं है, सिर्फ 3,000 ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रुप के बाहर भाई इस सर्कल के बाहर कितने पैसे गए? 3,000 गए ना, तो सिर्फ 3,000 जो है ना वो ग्रुप की कैश फ्लो में लेंगे, वो कैश फ्लो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, वो कैश फ्लो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। नहीं समझ रहे यार, सोचो एक मिनट रुक रहा हूं। सही, तो सिर्फ वो कैश फ्लोज आपके लिए रेलेवेंट होंगे जो ग्रुप के नुक्ता नजर से सही है। अब जरा मेरी तरफ तो देखें, सामने देखें प्लीज। ये चीज हम लोग समझ लें 2008-09-07 से पढ़ा रहे हैं, सही है। 2010 में एक बार ये चीज आ गई, ये बुक में भी है, लेकिन अब देखें P2 और SBR लेवल का एग्जामिनर कैसा, ये कॉन्सेप्ट बच्चे को दे दिया, उसने एग्जाम में सवाल क्या किया जरा देखें, यहां देखें, यहां देखें, मैं सवाल समझाता हूं आपको। उसने सवाल क्या दिया आपको, याद रखना ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कैश फ्लोज लेने जो ग्रुप के नुक्ता नजर से, जो गोले ये गोला नजर आ रहा है सर्कल, इसके लिए रेलिवेंट हो। हम लोगों ने डिविडेंड वाली एग्जाम्पल बच्चों को पढ़ाई और ये बुक में भी लिखी हुई है, स्टडी टेक्स्ट में भी है, पास्ट पेपर में भी आ चुकी है। उसने अगली अटेम्प्ट में सवाल क्या पूछा, उसने कहा कि लेटेस्ट से एस कंपनी ने राइट इशू किया। समझते हैं राइट इशू, राइट इशू हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है, राइट इशू हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है, ओके। अब सुने इधर, तो एस कंपनी ने जब राइट इशू किया ना, तो वो राइट इशू सब्सक्राइब किया होगा एनसीआई वालों ने भी और पेरेंट कंपनी ने भी, इनके दो ही शेयर होल्डर, एस कंपनी के दो शेयर होल्डर है, एस कंपनी का एक शेयर होल्डर है पेरेंट कंपनी और एक है एनसीआई, तो दोनों ने उस राइट इशू को सब्सक्राइब किया होगा। क्वेश्चन में लिखा होता है कि उस राइट इश्यू की वजह से टोटल 5 मिलियन यानी 5,000 का प्रोसीड जनरेट हुई है, 5,000 की प्रोसीड जनरेट हुई है, सही है। तो अब आप मुझे बताएं इस 5,000 का 70% तो पेरेंट कंपनी की तरफ से ही आया होगा ना, नहीं समझे यार भाई। राइट इश्यू में जो पैसा आता है वो शेयर होल्डर से आता है ना, तो एस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स कौन है? दो ही, एक पेरेंट है और एक एनसीआई है। तो 5,000 का देखो 70% तो यहीं से आया होगा ना, 3,500, 5,000 का 70% यानी 3,500 तो यूं अंदर ही अंदर से आया होगा ना भाई, और बाकी 5,000 का 1,500 यूं बाहर से आके या एंटर हुआ होगा। तो अब मुझे बताएं ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से सर इनफ्लो कौन सा है? वो सिर्फ 1,500 है, बाकी तो अंदर ही अंदर मूव हो रहा है ना यार, नहीं समझ रहे यार। ओ भाई 5,000 में से 3,500 पेरेंट कंपनी ने दिया, तो वो एक जेब से निकल के दूसरे अंदर ही अंदर घुमा ना, वो तो बाकी 1,500 बाहर से आए जो एक्सटर्नल, तो वो रियल कैश फ्लो है, वो इस ग्रुप के अंदर एक मूवमेंट हुई होगी कैश की, ग्रुप के कैश फ्लो उसने लाया होगा। तो सिर्फ आपने ग्रुप की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ग्रुप की कैश फ्लो की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इशू ऑफ शेयर्स की जो प्रोसीड थी वो 1,500 रेंट की। तो आप कान और आंखें खोल के सुनो, ग्रुप के नुक्ता नजर से जो कैश फ्लोज है सिर्फ वही लेंगे। अब और एक दो एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो प्लीज। यहां देखें, देखो भाई एग्जाम्पल ऑफ बाइंग अ सब्सिडरी, मेरी तरफ देखें भाई, ये फर्स्ट जैन है, यहां मेरे पास दो सब्सिडरीज थी पेरेंट की S1 और S2, मैं पेरेंट हूं, मेरी दो सब्सिडरीज थी S1 और S2, लेकिन ईयर के बीच में मैंने एक और सब्सिडरी खरीदी S3, तो अब मेरी कितनी हो गई S1 S2 और S3, नहीं समझे, यानी सादा लब्जों में ईयर के स्टार्टिंग में मैं पेरेंट हूं, मेरी दो सब्सिडरीज थी, लेकिन ईयर के एंड बीच में मैंने एक और सब्सिडरी खरीद ली। अब एग्जांपल तो सुने, हमने देखें
मैंने जिस सब्सिडरी को खरीदा ना, मैंने उसे खरीदा 50 मिलियन डॉलर्स में। मैंने यानी उसके ओनर्स को कितना पे किया, 50 मिलियन डॉलर्स। तो जैसे ही 50 मिलियन डॉलर्स मैंने उस चलती हुई कंपनी के लिए पे किए, वो कंपनी मेरी हो गई और मेरे कंट्रोल में आने का मतलब मेरे से आके मिल गई, कंसोलिडेशन हो जाती है ना, जैसे ही टेक ओवर किया मेरे साथ कंसोलिडेट हो जाएगी। अब जरा सुने, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पेरेंट कंपनी पेड 50 मिलियन डॉलर्स कैश पे किया 50 मिलियन डॉलर्स का उन ओनर्स को, सही है, और बदले में जो सब्सिडरी मिली ना उसके अंदर, उस दिन जिस दिन मिली ना हमें वो सब्सिडरी, उसके अंदर 5 मिलियन डॉलर का कैश था। तो हमने 50 मिलियन डॉलर दिए, हाँ, और साथ में जो कंपनी हमारी हो गई उसके अंदर 5 मिलियन का कैश था। तो अब बताओ ग्रुप के नुकता नजर से नेट कैश फ्लो कितना हुआ, 45 मिलियन। 45 मिलियन के ही पैसे गए होंगे ना, नहीं समझे यार। पेरेंट कंपनी ने पहले 50 पे किया, लेकिन उसके बदले में जो सब्सिडरी आई उसके अंदर 5 मिलियन तो था ना यार। तो 5 मिलियन से कैश उसी वक्त हमसे मिला, जैसे ही वो कंसोलिडेट हुआ होगा 5 से बड़ा नहीं होगा। तो ग्रुप के नुकता नजर से आपने जो ये इन्वेस्टमेंट का कैश फ्लो लेना है 45 मिलियन लेना है आउटफ्लो। नहीं समझ रहे यार। ओ भाई मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो। समझ लो ये मोबाइल फोन नजर आ रहा है, ये एक बैग है, ये एक बैग है, ये मैंने आज 500 रुपए का खरीदा है। ये मोबाइल फोन यानी एक बैग 500 रुपए का खरीदा, और इस मोबाइल फोन को खरीदने का जैसे ही खोला ना तो अंदर से 50 रुपए निकले। तो 500 रुपए दिए थे और अंदर इसके 50 रुपए पड़े थे, तो मुझे 450 रुपए का पड़ गया ना बेटा। नहीं समझ रहे। तो बहरहाल कहानी का लुबे लुबाब क्या है, ये वैसे ही कैश फ्लो होगी जैसे आप लोग पढ़ते थे, बस अब ये ग्रुप की कैश फ्लो होगी, यानी आपने कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनानी होगी, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनानी होगी। ओके नाउ अब एक टॉपिक होगा जो आप लोग पढ़ोगे इसमें, उसका नाम होगा कंसोलिडेटेड फॉरेन सब्सिडरी। दिस इज लिंक्ड टू IAS 21, IAS 21 से लिंक है। दिस इज लिंक्ड टू IAS 21। बेटा आप लोग जो आप सब बच्चे F7 पढ़े हो या बेसिक कोई भी अकाउंटिंग पढ़े हो, उसमें आपने IAS 21 की एपिसोड नंबर 1 पढ़ी थी। एपिसोड नंबर 1 में याद है कि आप पाकिस्तान में होते थे और आपकी करेंसी होती थी रुपीज। सुने, आप पाकिस्तान में होते थे, आपकी करेंसी रुपीज होती थी, सुनना प्लीज। और आपका एक आध एसेट बाहर होता था, या तो आपका सिर्फ रिसीवेबल डॉलर में होता था या पेएबल डॉलर में होता था, याद है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी करके पढ़ते थे, या आपकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी बाहर होती थी, या आपके कुछ शेयर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में होते थे। तो आपने F7 में इसका मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी वाला एरिया पढ़ा हुआ है, सिंगल एक एसेट आपका कहीं बाहर करेंसी में, तो वो यहाँ भी है, वो यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ IAS 21 का एडवांस लेवल भी है, दैट इज एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2, सही है, सुने, एपिसोड नंबर 2 में क्या है, आप पेरेंट कंपनी पाकिस्तान में होगी, उसकी सब्सिडरी अमेरिका में होगी, चलता हुआ बिजनेस अमेरिका में होगा, एक और सब्सिडरी अमेरिका में होगी। तो अब इसका मतलब दो डिफरेंट कंट्रीज में और दो डिफरेंट करेंसीज में आपके पास बैलेंस शीट गिवन होगी। पेरेंट कंपनी अलग होगी, सब्सिडरी कंपनी अलग करेंसी में होगी। तो अब आप सब पढ़ चुके हैं कि कंसोलिडेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी, कंसोलिडेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। हाँ, तो अब क्या होगा बताओ, आप सब्सिडरी कंपनी को पूरा शिफ्ट करेंगे, अगर पेरेंट कंपनी की रुपीज वाली है तो सब्सिडरी कंपनी को भी डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। एक पूरी मेहनत है और एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, ये हमारे कोर्स का पार्ट है, सही है। इवन ये ICAEW का जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पेपर होता है उसके भी कोर्स का हिस्सा है, लेकिन आपने F7 में ही नहीं पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा एक और एरिया भी होता है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो होता है कंसोलिडेशन थ्योरी, कंसोलिडेशन थ्योरी, सही है। हम इस थ्योरी भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, IFRS 10 भी कराएंगे, IFRS 3, ये सारे डिस्कशन आपके साथ होगी, कंसोलिडेशन की थ्योरी भी आपके साथ पूरी डिस्कस होगी। ओके अब बैक टू द चलो पेपर, पेपर में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने आपके सामने रख दिया, 50 मार्क का है, जिसमें से 30 और 20 भी हो सकता है, 25 और 25 भी हो सकता है, 27 और 23 भी हो सकता है, 12 50 का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 IAS IFRS की डिस्कशन आ सकती है, इसमें वो एरियाज भी आ सकते हैं, मैनेजमेंट कॉमेंट्री वाले एरियाज भी आ सकते हैं जो नए इसके अंदर एरियाज हैं, ये सब भी वो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी IAS IFRS प्लस एक और एरिया, एडिशनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बेटा ये एक नया एरिया हमारे कोर्स में ऐड हुआ है APM के नाम से, ये पहले P2 में नहीं था, दिस इज पार्ट ऑफ SBR एंड इट्स अ वेरी गुड एरिया, वेरी
जबरदस्त लर्निंग वाला एरिया है माय डियर स्टूडेंट. दिस इज लिंक टू द परफॉर्मेंस मेजरमेंट थिंग. आप लोगों ने अपनी लाइफ में जो एसीसीए पार्ट टू किया है उसमें आपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट पढ़ी हुई है, रेशियोज पढ़े हुए नहीं है. आपने मशहूर जमाना रेशियोज पढ़े हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन, आपका देयर इज गियरिंग, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, इंटरेस्ट कवर, ये सब. ये नॉर्मली आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लें इसमें ये सारे रेशियोज तो उसमें होते हैं. लेकिन बेटा जरा मेरी तरफ, प्लीज मेरी तरफ, क्या आप ईमानदारी से सोचे, क्या तवज्जो, क्या ये रेशियोज दुनिया की हर कंपनी की नीड्स को फुलफिल करते हैं? वो जो स्टैंडर्ड रेशियोज आपने पढ़े हैं क्या वो दुनिया की हर कंपनी की नीड्स को फुलफिल करते हैं? नहीं. नंबर टू, क्या वो रेशियोज, वो जो आपने रेशियोज पढ़े हुए हैं F7 वगैरह में, वो मॉनेटरी रेशियोज, उसमें सिर्फ पैसों की बातें हैं? कितने ऐसे रेशियोज होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं भाई, NFPI, जिनके ऊपर कंपनी की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होती है और वो भी कंपनी के लिए बहुत अहम होते हैं, तो यार वो भी बड़े जरूरी है ना. तो अब ये इजाजत है, ये इजाजत है स्टैंडर्ड बोर्ड की तरफ से कि आप IFRS वाले जो रेशियोज मशहूर जमाना है वो तो डालो, इसके अलावा अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मुताबिक आप एडिशनल रेशियोज भी डाल सकते हो, APMs. मैं एक मिसाल देता हूं, ये आ चुका है, ये SBR में आ चुका है सवाल. एक इदारा ऐसा था, मेरी तरफ देखें, कि जिसके लिए उनके एम्प्लॉइज बहुत अहम थे, वो सॉफ्टवेयर बनाते थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत कम थे मुल्क में, तो उनके लिए एम्प्लॉइज बहुत इंपॉर्टेंट थे, सही है? तो जब उनके लिए एम्प्लॉइज बहुत इंपॉर्टेंट थे तो उनके लिए लेबर टर्नओवर एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा कि लेबर छोड़ के तो नहीं जा रही, बहुत ज्यादा लेबर छोड़ के जा रही आ रही है, इसका मतलब इदारे में डीमोटिवेशन है और इदारे के लिए लेबर दिल है, इदारे के लिए उसके एम्प्लॉइज दिल है. तो अगर लेबर बहुत ज्यादा छोड़ के जा रही है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जो शेयर होल्डर को बताओ कि अगर ये हिला तो कंपनी बैठ जाएगी. हाँ, तो अब यहां पर उन्होंने लेबर टर्नओवर भी अलग से निकाल के दिया हुआ था नॉर्मल रेशियोज के साथ, ठीक है? तो ये एक एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर, और इसके ऊपर बड़े बड़े डिबेट्स हैं कि क्या ये सही चीजें हैं या गलत चीजें हैं. जैसे एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, IFRS की चीज नहीं है, यानी ये बेलगाम घोड़ा है, तो इसमें लोग करप्शन भी बहुत करते हैं. फिर एडिशनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में नए नए रेशियोज लोग बनाते हैं और ऐसे रेशियोज भी लोग बनाएंगे जो अपनी अपने लिए अच्छे हों, जो अपने लिए फायदेमंद हो, बस वो रेशियोज बनाएंगे. नहीं समझ रहे? तो ऐसी सूरत हाल में इसके अंदर करप्शन का एलिमेंट भी बहुत है, करप्शन का एलिमेंट भी बहुत है. तो वो सारे करप्शन वाले एलिमेंट पे बड़ी तीखी तीखी गुफ्तगू है और एग्जामिनर ने इस पे बड़े अच्छे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, राइट? ओके, अच्छा मेरी तरफ, जब मैं ये एक ओरिएंटेशन क्लास आपकी ले रहा हूं और मैं आपको यहां से गाइडेंस दे रहा हूं, ये आपके लिए, यहां से आपने डायरेक्शन लेना है. और वाकई मैं यूं बोलता हूं कि टीचर कैसा भी हो, कोई भी टीचर हो, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके स्टूडेंट्स फेल हो, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट हमारी परफॉर्मेंस है, आप लोगों का रिजल्ट हमारी परफॉर्मेंस है, सीधी बात है, ठीक है? और एक टीचर समझ सकता है कि अगर उसके बच्चे पास होते हैं तो उसको कितनी मोटिवेशन मिलती है, शायद ये पैसों से बड़ी मोटिवेशन है. देखिए, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं बच्चों को, इसको सुनना, SBL जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर और SBR, ये दो वो पेपर्स हैं कि जिसके लिए ACCA UK ने इतनी हेल्प की है बच्चों की जितनी किसी और पेपर के लिए नहीं की, यानी बेतहाशा हेल्प की है, बेतहाशा हेल्प की है. ओके, तो इसके बहुत सारे आर्टिकल्स भी ऊपर आपके ACCA ग्लोबल पे मौजूद हैं, वो आर्टिकल्स भी अगर बच्चा पढ़े ना तो उससे वो बहुत हद तक क्लियर हो सकता है, यानी बहुत सारी चीजें उस आर्टिकल्स में से आती हैं. बल्कि यकीन करें, मैं यूं बच्चों को बोलता हूं कि SBR एक ऐसा पेपर है जिसमें बच्चा, मैं खुद पर्सनली कई सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बच्चा टीचर से एक शर्त एक वजह से नाराज हो जाता है, यानी वो बदजन हो जाता है, और वो क्या होता है, टाइम कंस्ट्रेंट. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कितने बच्चे पी सीरीज प्रोफेशनल लेवल के बच्चे जॉब कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर अपनी स्टडीज को टाइम ही नहीं दे पा रहे होते. क्या करते हैं, टाइम नहीं देते और फिर एंड में आखिरी 15 दिन में हाड़ा उड़ी में 10 दिन में वो शुरू करते हैं, ना वो पास पेपर कर सकते हैं ना वो रीडिंग कर सकते हैं. भाई रीडिंग, ये पेपर थ्योरी का है, इस SBL और SBR के लिए रीडिंग करना जरूरी है, सिर्फ लेक्चर से काम नहीं होगा, तुम्हें रीड करना होगा भाई, इसका पार्ट एंड पार्सल है. 80 मार्क्स की थ्योरी आती है तो उसके लिए आपको कितने पास्ट पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, कितने आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे ताकि वो जबान तुम्हारे जहन में बने और तुम फिर उसको लिखने के काबिल होगे, यानी जबान तुम्हारे जहन में बनाई जाएगी. ये नहीं समझ रहे थे?
तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि कम से कम 20 दिन पहले, यानी पेपर से 20 दिन पहले अपना कोर्स पूरा करो, और फिर 20 दिन में से 4-5 दिन आर्टिकल्स पढ़े. ऊपर इतने आर्टिकल्स हैं हम लोग बच्चों को भेजते हैं. अच्छा, मेरी अपनी आदत ये है कि एसीसीए ग्लोबल वाले आर्टिकल तो मैं लाजमी भेजता हूँ, और बच्चों को कहता हूँ फर्ज है. इवन कुछ आर्टिकल्स तो मैंने खुद क्लास में पढ़ाए हैं, पूरे आर्टिकल्स को स्क्रीन पर रख के एक्सप्लेन किए. लेकिन साथ साथ मैं एक और बात बोलता हूँ कि एक वेबसाइट है IFRSbox.com, बहुत जबरदस्त वेबसाइट है और बड़ी अच्छी रिसर्च मटेरियल होता है, तो मैं बच्चों को उसके भी आर्टिकल्स भेजता हूँ, IFRSbox.com. तो उसके आर्टिकल्स भी आप लोग साथ साथ पढ़ें और सीखें, ठीक है? क्योंकि अब ये चीज आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगी. अच्छा देखिए, मैंने इस पूरे चीज में एक चीज नहीं बताई, वो है करंट इशू. देखें, पहले हिस्टोरिकली जो आपका P2 का पेपर था ना, उसमें चॉइस होती थी. उसमें सेक्शन बी में 3 में से 2 ऑप्ट करने होते थे, सेक्शन बी में से 3 में से 2 ऑप्ट करने होते थे, और उसमें एक करंट इशू का सवाल आता था जो कि पूरा शहर चॉइस में छोड़ता था, दुनिया भर के बच्चे चॉइस में छोड़ते थे. करंट इशू क्या होता है समझे, जैसे आपको पता है ना, IFRS और IAS कोई वही का इल्म नहीं है, ये इंसानों का बल्कि नाकिस इंसानों का बनाई हुई चीज है. तो हर कुछ दिनों में चैलेंज हो जाती है, पुरानी चीजों में खामी निकल आती है, नया दौर आता है, नए लोग आते हैं, वो पुरानों पर तनकीद करते हैं, सही? तो फिर नए स्टैंडर्ड बनते हैं. तो जब नए स्टैंडर्ड बनते हैं, तो स्टैंडर्ड बनने का भी एक अमल होता है ना पूरा, कि एक्सपोजर ड्राफ्ट और पहले एक खाका बना हुआ होता है जिस जो पब्लिक कमेंट के लिए पेश किया जाता है, पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बेसिक्स में. तो वो स्टैंडर्ड जिनमें खामियां हैं, जिनमें क्रिटिसिज्म है, उनका क्रिटिसिज्म एग्जामिनर पूछ सकता है. क्रिटिसिज्म नंबर टू, वो नई चीजें मेरी तरफ, वो नई चीजें प्लीज, वो नई न्यू 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 वो नई चीजें जो अभी नया स्टैंडर्ड आने वाला है, तो उसका एक्सपोजर ड्राफ्ट आता है, उसके एक्सपोजर ड्राफ्ट में आपसे तो पूछ सकता है, सही? तो इसी तरह जैसे अभी दुनिया में एक नई चीज आ गई है, कौन सी करेंसी है वो, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना, बिटकॉइन वगैरह. तो बिटकॉइन के ऊपर आर्टिकल आ चुका है, IFRS बॉक्स में भी आ चुका है, ACCA ग्लोबल में भी आ चुका है. तो बिटकॉइन का आर्टिकल मेरी तरफ प्लीज समझो, बिटकॉइन पे सवाल भी आपके SBR में आ चुका है और उसका आर्टिकल भी आ चुका है. तो ये पूरा देखो, एक करंट इशू एक नई चीज है. तो नॉर्मली करंट इशू अगर आप आर्टिकल्स पढ़ लेना ACCA ग्लोबल के, तो उससे कवर हो जाता है. जैसे अभी मार्च 2020 में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर आया है पूरा, उसके ऊपर वो पूरा उसने ऊपर देखो, ऊपर आर्टिकल था और उसी ऊपर आ गया. अब जिस बच्चे ने वो आर्टिकल पढ़ा है वो कर सकता है. तो बेटा इट्स ऑल अबाउट रीडिंग, रीडिंग इज मस्ट, सही है? ये करना होगा. देखो पहले जहन बना लो, कुछ चीजों से आप नहीं बच सकते. हाँ, हम लोग लेक्चर्स, हमारे बहुत बड़े लेक्चर थे मेरे, 120 घंटे के लेक्चर थे, समझ लो यार, बहुत डिटेल लेक्चर, 120 के 130 35 के होंगे. हर चीज हम लोग कराते हैं, मेरे अपने कोर्स में F7 के IAS भी होते हैं, बच्चों को छोटे बड़े सारे IAS सब कराते हैं. लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपको रीडिंग करनी होगी. वैसे लोग लेक्चर, कुछ लोग ऐसे लकी भी होते हैं कि सिर्फ लेक्चर से ही पास हो जाते हैं, लेकिन एक होता है बगैर रिस्क के पास होना, यानी आप ऐसा पढ़ के जाओ कि आप शक की शकू को शुबात ना हो, तो उसके लिए आपने आर्टिकल्स पढ़ने, सही है? अभी बता रहा हूँ. अब देखो, मैंने बहुत सारी बातें साथ साथ बोल दी थी, वो मैंने यहाँ लिख भी ली है ताकि मैं खुद भी ना भूलूं, ठीक है? क्या लिखा हुआ है, 88, ये बता दिया, नॉट अ पेपर ऑफ नंबर क्रंचिंग, ये नंबर क्रंचिंग का पेपर नहीं है, सही है? इट इज अबाउट कम्युनिकेटिंग बिजनेस परफॉर्मेंस टू इन्वेस्टर्स, एक्सप्लेनिंग बिजनेस मॉडल्स टू इन्वेस्टर्स. देखो इस पेपर में अब स्पेसिफिकली मैं हर टाइम में देख रहा हूँ, एक सवाल ऐसा आता है जिसमें आपको इन्वेस्टर को समझाना होता है, वो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड IAS दे देता है और वो बोलता है इस IAS का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस IAS से इन्वेस्टर पे क्या असर पड़ेगा, इस ट्रांजेक्शन का इन्वेस्टर पे क्या असर पड़ेगा. तो इन्वेस्टर के एंगल से या कभी बैंक्स के एंगल से आपको बात करनी होती है, ये आजकल आ रहा है, सही है? पढ़ो, इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग बिजनेस परफॉर्मेंस टू इन्वेस्टर, एक्सप्लेनिंग बिजनेस मॉडल्स, के भाई सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बल्कि बिजनेस मॉडल के आप कैसे कमाते हो पूरा उसको जायचा बताओ. अ रूटीन क्वेश्चन मे कम रिलेटेड टू इन्वेस्टर, अब बताओ, इधर देखो यहां लिख दिया है, करंट इशू मे कम इन एनी क्वेश्चन बट नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑन करंट इशू, नॉर्मली 8 to 10 marks. बेटा आपके इस पेपर में जो चार मैंने सवाल दिए थे ना, चार सवाल आ रहे हैं ना, उन चार में से किसी में भी करंट इशू आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 8 to 10 marks का आएगा, मैक्सिमम 8 to 10, 8 से 10 marks का आएगा, मैक्सिमम 8 से 10 marks का आएगा. पहले दौर में 25 marks का भी आता था, सही है? ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी आ चुका है करंट इशू, अभी SBR की बात कर रहा हूँ. देखो नीचे लिखा हुआ है, फॉर करंट इशू मस्ट रीड ऑल लेटेस्ट आर्टिकल्स ऑफ ACCA ग्लोबल, ये पहली ये बुनियादी चीज है, देख लो भाई, सही? अब मैं थोड़ी और टिप्स आपको दूंगा, थोड़ी आगे बढ़ते हैं बात. ये
ये एक नजर पढ़ें, मैं जरा चुप हूं, अजान हो रही है इसलिए मैं चुप हूं, आप ये एक नजर पढ़ें। अच्छा जी, ये मैंने, आपने ये चीजें पढ़ ली अजान का ब्रेक का। अब आपके पास देखें, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं, एपीएम से रिलेटेड, एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स से रिलेटेड आपके सामने ये सब बात दे दी है, सही है। अब चलें, अब ये कुछ बातें मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ। अच्छा, एसबीआर एक इतना, मैं क्या बोलता हूँ, एग्जामिनर ने इतनी आप लोगों के लिए हेल्प की है, मेरी बात सुने, कि उन्होंने एसबीआर और एसबीएल के लिए ऐसे आर्टिकल्स भी लिख दिए हैं एग्जाम टेक्निक के, कि जिसमें एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करा है 3 बार। पहली बार सॉल्व किया, बोला इस पे मैं इतने मार्क्स दूंगा, दूसरे पे इतने कम दूंगा, तीसरे पे, यानी 3 सोल्यूशन दिए, बच्चों को ये बता दिया कि वो गलती होती है, यानी किसी पेपर में इतनी हेल्प नहीं है, ऐसे आर्टिकल्स तक मौजूद है, तो लाजमी वो आपने पढ़ने हैं। ओके, नाउ एसबीआर एग्जामिनर थिंक्स अबाउट योर स्किल्स एट वर्क प्लेस। बेटा भाई, अब आप बच्चे नहीं हो, अब आप प्रोफेशनल लेवल पे हो, वो आपको तैयारी कर रहा है उस रियल समंदर के लिए जिसमें आप जा रहे हो, जो चैलेंज दुनिया के। It's beyond technical knowledge because now lot of technical work done by softwares and robotics. देखो, ये examiner के अपनी बातें जो यहाँ लिखी हुई है। भाई, अब ये सिर्फ technical skills नहीं check करेगा कि आपको IAS IFRS आता है, बल्कि वो आपने दूसरे को समझाना है। वो कैसे समझाओगे? फलां transaction हो रही है, इससे कुछ नहीं होता, उसका impact क्या है, कितने stakeholders पे, ये बताओ। Normally in one question one part you can expect application of more than one standard. Yes, this is not F7. एक सवाल के एक पार्ट में चार चार स्टैंडर्ड पूछ सकता है, चार चार स्टैंडर्ड पूछ सकता है भाई, कैसे पूछ सकता है? वो आपको बोलेगा कि फला चीज आपने किसी को बेची है, बेचने पर IFRS 15 रेवेन्यू। हाँ, समझ रहे हो, सुनना, जो चीज आप बेचने की नियत से ले रहे हो वो इन्वेंटोरी है, तो उस इन्वेंटोरी की कैसी मेजरमेंट होगी, IS2 भी आ गया साथ। फिर आपने के बाद बेची है और कुछ हिस्सा ईयर एंड से पहले से कनेक्टेड है, तो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आ गया, IS10 भी आ गया। फिर ऐसा भी होता है कि आपने बेच के उसको बोला कि मैं दोबारा वापस ले लूंगा, सेल एंड लीज बैक वाली बात, IFRS 16 पे टच मार दिया। तो भाई, एक साथ चार चार तीन तीन स्टैंडर्ड का मजमुआ भी इसमें आता है भाई,
तो प्लीज इस बात के लिए तैयार रहें, इस बात के लिए तैयार रहें। ये वो पेपर नहीं है कि एक सीधा 1+1 वाला पेपर, इस तरह की डिस्कशन आती है, हेल्दी डिस्कशन। अच्छा, मैंने भी आपको एक वेबसाइट रिकमेंड की थी, आईएफआरएस बॉक्स। देखें बेटा, एसबीआर और पीटू दोनों लेवल पे रियल लाइफ के सिनेरियोज आते हैं, रियल लाइफ। आपको कोई फुटबॉल क्लब की मिसाल दे देगा, यानी दुनिया में जो कुछ नए इवेंट्स हो रहे हैं उस पे सवाल आ सकता है, राइट? तो वो आपने रियल लाइफ की जो भी दुनिया में करंट इश्यूज हैं उसको स्टडी करो। जैसे मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, अभी इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस की वजह से दुनिया पूरी हॉल्ट पे आ गई है। हॉल्ट पे आने का मतलब सारी स्टॉक मार्केट्स गिर गई और सारी प्रॉपर्टी मार्केट्स गिर गई, काम ही रुक गया। तो एक अजीम बड़ा कोई सदियों वाला कोई रिसेशन आने वाला है, और आ चुका है, आ गया रिसेशन, आ गया। तो अब रिसेशन में चीजों की वैल्यू गिरती है, तो इंपेयरमेंट, एक मिनट में प्रेडिक्ट कर लो, अब एग्जामिनर तुमसे इंपेयरमेंट पूछ सकता है, आराम से पूछ सकता है इंपेयरमेंट, समझ रहे हो? इसी तरह अब कितने बिजनेसेस बंद होंगे, ठक ठक ठक, रोज बिजनेस रिसेशन में धड़ाधड़ धड़ाधड़ बिजनेस तबाह होते हैं। तो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कोई टी स्ट्रेच पूछ सकता है, IS-10 के अंदर गोइंग कंसर्न वाला एरिया वो पूछ सकता है। इसी तरह P7 में गोइंग कंसर्न का आना, जो ऑडिट का पेपर है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये रियल लाइफ। हाँ, फिर अब देखें यहाँ क्या लिखा है, देखो यहाँ कुछ बातें लिखी हैं, पढ़ो। वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। इस वक्त पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन पे है, ग्लोबलाइजेशन पे है। हाँ, तो अब जब दुनिया की टॉप 10 कंपनीज अगर आप देख लें, दुनिया की टॉप 10 कंपनीज जो है ना, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं, और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं होती। तो अब जब दुनिया की टॉप 10 कंपनीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो ACCA का एग्जामिनर भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज के सवाल देगा, और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज के पास नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो IS-38 बहुत गर्म हॉट केक हो गया ना। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीजें, ब्रांड से रिलेटेड चीजें, कस्टमर और सोशल रिलेशनशिप, फेसबुक एक बहुत सुपर हिट जा रहा है, ट्विटर बहुत सुपर हिट जा रहा है, तो इनके पास तो इंटेंजिबल्स ही ज्यादा है। हाँ, फिर सॉफ्टवेयर, ह्यूमन कैपिटल, इन चीजों पे सवाल अब ज्यादा आ सकते हैं। तभी मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ, यार हम लोग 7-8 क्लासेस में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि 7-8 सवाल वाला क्लास में, 7-8 क्लासेस में कराया हुआ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से सिर्फ 5 मार्क आते हैं, और एक क्लास वाला IS-38 पढ़ाने में से 15-20 मार्क आ जाते हैं। तो यार थोड़ा सा इस चीज, इस सिलेक्टेड स्टडीज को छोड़ो, यहाँ इस लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे सिलेक्टेड स्टडीज हराम है, साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज इसका ख्याल रखें। और मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया में जो भी इवेंट होता है वो, अच्छा इसी तरह डिजिटल कंपनी में डील इन क्रिप्टो करेंसी, यस, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह, तो उस पर सवाल आ रहे हैं, आए भी हैं अभी रिसेंटली। तो क्रिप्टो करेंसी वगैरह ये सब आपने इसके आर्टिकल्स पढ़ने, जो भी दुनिया में नया इवेंट हो रहा है उससे रिलेटेड पढ़ो। वन इंपॉर्टेंट इशू ये देखो, एग्जाम टेक्निकल, लर्न इट। देखो बेटा, आप लोग सब F7 पढ़े हो, ये बात आपको आती है। लेट अस से आप एक ऐसी कंपनी में हो जहां IFRS अप्लाई हो रहे हैं, एक ऐसे मुल्क में हो और ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहां IFRS अप्लाई हो रहे हैं। मेरी तरफ तवज्जो से सुनो, IFRS अप्लाई हो रहे हैं। अब क्या कहानी होता है, जरा कहानी सुनना। आज एक ऐसी ट्रांजेक्शन, नई ट्रांजेक्शन आपकी कंपनी में आई जो इससे पहले कभी वो ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी। तो आज के बाद पहले तरीका सुन लो कि आपकी आपकी कंपनी में IFRS अप्लाई हो रहे हैं, और कोई भी नई ट्रांजेक्शन आए ना, तो उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले IFRS की बुक खोलनी है। क्या पता उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड IFRS ने डायरेक्ट कुछ बोला हुआ। तो अगर उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड IFRS ने डायरेक्ट कुछ बोला हुआ है, तो IFRS अप्लाई कर दो। 37 में मिल गया, 38 में मिल गया, 40, 41, किसी भी स्टैंडर्ड में मिल गया, वो स्टैंडर्ड अप्लाई कर दो। हाँ, सही, पक्का। नंबर 2, लेकिन बेटा IAS का जो आई है ना, IAS और IFRS का आई है, वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के लिए एक ही है, तो पूरी दुनिया के लिए एक ही है, वो पूरी दुनिया की हर ट्रांजेक्शन को कवर नहीं कर सकता यार। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IFRS फाउंडेशन, ये लोग पूरी दुनिया की हर छोटी छोटी ट्रांजेक्शन को कवर नहीं कर सकते। तो अब उसूल क्या है कि अगर आपकी कंपनी में कोई नई ट्रांजेक्शन हुई है, प्लीज सुने, और वो IFRS की बुक में नहीं लिखी हुई, तो अब दूसरा स्टेप क्या बताऊं, उसके जैसी कोई सिमिलर ट्रांजेक्शन का अगर IFRS में ट्रीटमेंट गिवन है, उसके जैसी कोई सिमिलर ट्रांजेक्शन का अगर IFRS में ट्रीटमेंट गिवन है, तो फिर आप वो सिमिलर ट्रांजेक्शन के थ्रू सॉल्व कर लें। और अगर कोई सिमिलर ट्रांजेक्शन भी नहीं मिल रही, देख लो, तो फिर फ्रेमवर्क के थ्रू, फ्रेमवर्क में जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उसके थ्रू कर लें, ठीक है? अब देखो सुनो, एग्जामिनर ने अपने फीडबैक में लिखा है, अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाए जिस पे आपको पता है आप कर रहे हैं, देखो बिल्कुल ऐसे टेक्निकल सवाल आते हैं जिसके ऊपर कोई डायरेक्ट IFRS IAS अप्लाई नहीं हो रहा। If there is no IAS IFRS on an issue, don't just write there is no IFRS will deal with this issue. ये लिख के नहीं आ जाना कि इसके ऊपर कोई IAS IFRS apply नहीं होता। नहीं, बल्कि ये 3 step apply करना।
कि जब IFRS अप्लाई नहीं हो रहा तो सिमिलर ट्रांजेक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे, और सिमिलर ट्रांजेक्शन नहीं तो फिर हम फ्रेमवर्क और इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे। सही है, ये तरीका है। In SBR paper, there is area in which you have to discuss for investor and investor just don't look at PNL. ये मैंने बता दिया अभी ऊपर, but more it looks at business model, what the plan for money making company has, or intangibles for which may. हाँ, ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है। बेटा एक मिनट, और से सुनना। मैं आज एक कंपनी को, एक चलते हुए बिजनेस को एक्वायर कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखें, एक चलते हुए बिजनेस को एक्वायर कर रहा हूँ। तो चलते हुए बिजनेस को एक्वायर करते वक्त मैं उसकी बैलेंस शीट को तो देखूं ना, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जिस कंपनी को मैं एक्वायर कर रहा हूं उस कंपनी के पास बहुत सारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं, और वो इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे हैं जो उसको कमा के तो दे रहे हैं लेकिन वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे। जैसे कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज नहीं करती, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि एम्प्लॉयज से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल एम्प्लॉयज से फायदा तो उठाया जा रहा है ना, एम्प्लॉयज से फायदा तो उठाया जा रहा है। तो एम्प्लॉय एक ऐसा एसेट है जो फायदा तो पहुंचा रहे हैं लेकिन बैलेंस शीट में नजर तो नहीं आ रहे ना, तो अब उसको अलग से डिस्कस करना होगा, उसको अलग से आपने बताना होगा कि ये कंपनी की मेजर कमाई तो एम्प्लॉयज की वजह से हो रही है और वो नजर ही नहीं आ रहे। ठीक, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी होती है भाई। अच्छा, एक सवाल नॉर्मली आता है इन क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका आजकल आ रहा है ना, different accounting errors, their correct treatment, impact of their correction on different ratios, this is a routine thing in SBR. देखिए, आपको सवाल में ऑलरेडी कुछ सॉल्व हुआ होगा जिनके अंदर एरर्स हैं, उन एरर्स का आप करेक्ट ट्रीटमेंट बताओगे, ये लिखोगे इसके मार्क्स हैं, इम्पैक्ट ऑफ उस करेक्शन का इम्पैक्ट बताओगे ऑन डिफरेंट रेशियोज, और फिर उन रेशियोज की इंटरप्रिटेशन करोगे। ये सारी चीजें आजकल नॉर्मली आ रही है, ये भी एक चीज आती है। देन प्रोफेशनल मार्क्स हर क्वेश्चन में होते हैं फॉर क्लैरिटी एंड क्वालिटी ऑफ डिस्कशन, डेफिनेटली फॉर दिस प्रॉपर फ्लो ऑफ सेंटेंसेस। बेटा, फ्लो ऑफ सेंटेंस प्रोफेशनलिज्म के थ्रू होना चाहिए। आप डेफिनेटली अब कोई ट्रेनी नहीं होते, यहाँ प्रोफेशनल लेवल पे बोर्ड रूम में होते हो, सही है, तो बोर्ड रूम वाली लैंग्वेज भी थोड़ी लाओ अपने अंदर, सही है। पुट योर फीट इन एग्जामिनर शू, ये लिखा हुआ है, देखो पुट, आप एग्जामिनर बन के सोचो, गिव प्रॉपर हेडिंग्स रिकमेंडेड बाय मेनी ट्यूटर्स। देखो ऊपर जाके आप YouTube पे भी जाके सर्च करें, कितने कितने UK के ट्यूटर्स ने लिखना सिखाया हुआ है, तो उन्होंने बोला है ना, हेडिंग सेंटेंस, हेडिंग सेंटेंस, हेडिंग सेंटेंस, बल्कि उन्होंने ये बोला है कि लाइन छोड़ के लिखो। आप एग्जामिनर बन के सोचो, खिचड़ी मत पका के दो, साफ सुथरा काम करो। बल्कि मुझे आज भी याद है, एक ICAEW की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ICAEW की हुई थी, और ICAEW और ACCA द रिलेटेड, दे आर रिलेटेड बॉडीज, बोथ आर प्रोफेशनल UK बॉडीज। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था, मेरी तरफ देखें, कि हाउ टू फेल, एक पूरा डॉक्यूमेंट था जो टीचर्स को समझा रहा था हाउ टू फेल, फेल होने की टेक्निक्स। उसमें एक बात क्या लिखी हुई थी, पुअर हैंडराइटिंग एंड पुअर लेआउट्स, पुअर लेआउट्स एंड पुअर हैंडराइटिंग्स, कि गंदे लेआउट सब मिक्स कर देना, अरेंज ना करना, उसकी वजह से भी लोग फेल होते हैं, और गंदी हैंडराइटिंग। वैसे अब बाय द एंड, बाय 2021 आपका प्रोफेशनल लेवल भी CB हो जाएगा, तो फिर हैंडराइटिंग का तो इशू नहीं होगा, लेकिन लेआउट का प्रॉपर इश्यू है। अक्सर वो कहते हैं कि एक पेज पे कैलकुलेशन करें, दूसरे पे थ्योरी करें, इस तरह प्रॉपर रेफरेंसेस दें, ये बहुत जरूरी है। ये उस एग्जाम टेक्निक के आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, जो SBR के, SBR का एग्जाम टेक्निक आर्टिकल है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, सही है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डू कैलकुलेशन ऑन वन शीट एंड प्रैक्टिकल वर्किंग ऑन अदर, पुअर लेआउट एंड पुअर हैंडराइटिंग रीजन ऑफ फेलियर, ओके। अच्छा, ये एग्जामिनर ने लिखा है कि कैंडिडेट शुड रीड रियल लाइफ जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, पब्लिश कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखें आपके पास कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर वो इन्वेस्टर्स का एक पेज होता है कि जिसमें वो इन्वेस्टर को डिस्कस कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री होती है, तो वो पढ़ोगे तो सीखोगे, सही है। स्टूडेंट अकाउंटेंट ट्रीट करें, ये ACCA का मैगजीन है, इसमें बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं डिफरेंट फुटबॉल क्लब्स की, और ये सब अकाउंटिंग आती है प्लेयर्स की और सारी। अच्छा, अब एक और बड़ी मजेदार चीज है, देखें इंशाल्लाह मैं अपने कोर्स का ये पार्ट रखता हूँ कि मैं बच्चों को लिखना भी सिखाता हूँ। ऐसी बहुत सारी क्लासेस हम देते हैं जिसमें हम फॉर्मेटिंग सिखाते हैं, बच्चे को लिखना सिखाते हैं। सीधी बात है, हमारे बच्चे थ्योरी में थोड़ा वीक होते हैं, लेकिन बस एक बार वो लिखना शुरू करते हैं तो उसका डर खत्म होता जाता है। तो देखें, दुनिया भर के ट्रेनर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो IFRS का प्रैक्टिकल सवाल, थ्योरी का सवाल आता है ना, उसमें उसको सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक है, हाउ टू राइट SAC, दिस इज अ टेक्निक SAC, स्टेट द रूल, अप्लाई द रूल एंड कंक्लूजन। कोई भी वर्ड
इस तरह का प्रॉब्लम आ गया ना, रियल लाइफ ट्रेन का आ गया या एरोप्लेन का आ गया, एयरक्राफ्ट का आ गया, तो उसमें सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों सुनो, सबसे पहले आपने जो भी इशू आया उससे रिलेटेड आईएफआरएस लिखना है, आईएफआरएस लिखना है। जैसे उसने आपको आईएस 37 के रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का केस दिया, तो आप पहले रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का रूल लिखोगे कि रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन की दो कंडीशन चेक करनी है। याद है आप लोगों को पता भी होगी, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान होना चाहिए और सेकंड लोगों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दियो। तो वो आप पहले स्टेट द रूल लिखोगे, पहले आईएफआरएस लिखोगे, यानी आईएफआरएस लिखने के मार्क्स है, फिर उसको अप्लाई करोगे उस सिनेरियो के साथ, अप्लाई करोगे और एंड में अपना कंक्लूजन दोगे। तो ये एसएसी, दिस इज अ वेरी सुपर हिट टेक्निक, स्टेट द रूल, अप्लाई द रूल एंड कंक्लूजन। अब यहां पर एक चीज सिखानी है, प्लीज सीख के उठना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। भाई साहब आपके पास आईएफआरएस 15 याद है, तुमने पढ़ा F7 पे, आईएफआरएस 15 जो रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट। सुनो, IFRS 15 में पांच स्टेज है, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आपके पास सवाल आया स्टेज 5 का, जिसका नाम है बुक रेवेन्यू, और स्टेज 5 में भी दो हेड्स हैं, या तो आप पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू बुक करो या ओवर टाइम, या तो आप पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू बुक करो या ओवर टाइम रेवेन्यू बुक करो। हाँ याद है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो तुम्हें स्टेज 5 से रिलेटेड सवाल दे रहा है और स्टेज 5 में भी पॉइंट इन टाइम का सवाल दे रहा है, तो बस आपने वो पॉइंट इन टाइम का स्टेट द रूल लिखना है कि भाई दिस ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू आईएफआरएस 5 स्टेज 5, और स्टेज 5 सेज दिस कि पॉइंट इन टाइम का रेवेन्यू हम तब बुक करेंगे व्हेन कंट्रोल ट्रांसफर। बस ये थोड़ा सा लिखना है और उसके बाद अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है बेवकूफ आदमी कि आईएफआरएस 15 पूरा छाप दिया आपने, अब थोड़ी मार्क्स देगा वो। रेलेवेंट देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है, इन स्टेट द रूल यू नीड टू राइट द रेलेवेंट आईएएस रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, बट स्ट्रिक्टली डोंट राइट इररेलेवेंट डेटा इन इट। एग्जांपल ऑफ आईएफआरएस 15 क्वेश्चन रिक्वायर्स वन कंपोनेंट ऑफ स्टेट 5, जस्ट डिस्कस दैट। भाई जो कंपोनेंट बोला जाए और जो बात है उसका स्टेट द रूल लिखो, फजूल बातें नहीं लिखो, नहीं समझे। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही आखिरी जबरदस्त डायलॉग बोल रहा हूँ, और बाकायदा मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड की है, यूके से हमारे पास ट्रेनर्स आते हैं, ACCA पाकिस्तान इसके ट्रेनिंग अरेंज करवाता है, हम लोग सब जाके अटेंड करते हैं और सीखते हैं। मैं खुद तालिबे इल्म अपने आप को, मैं आज तक मेरा अपना ये लेवल है कि मैं अपने आप को तालिबे इल्म ही मानता हूं, आज तक पढ़ता हूं खुद, रोज रात को जर्नल्स पढ़ता हूं, डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ता हूं, सीखता हूं। भाई आप लोगों को भी ये चीज अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये SBR के यूके के जो लोग हैं ना, वो काफी एग्जामिनर से क्लोज भी हैं, कितने जो मार्कर से क्लोज हैं, तो उनके डायलॉग बड़े काम के होते हैं। तो वो एक बात बोलते हैं, इधर देखें, यहां देखें, यहां देख लें, देखो मैं ये डायलॉग लिख रहा हूं, इफ यू आर राइट बट if you are wrong still you are right if you have argument। then you will get marks। बेटा ये बड़े तारीखी डायलॉग थे, सुनो भाई एक मिनट मेरी तरफ देखो बेटा, SBR लेवल पे ये हमें एक ट्रेनर ने बार बार ये डायलॉग बोलता था, 8 hours, 7 hours की ट्रेनिंग थी, उसमें बार बार ये जोक बोलता था, इन SBR इफ यू आर राइट यू आर राइट, यानी आपने सही आंसर लिख दिया तो भी मार्क्स मिल गए, एंड इफ यू आर रॉन्ग, देखो ऐसा उलझा हुआ सवाल आता है कि आप 2-3 मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं, आपने गलत लिख दिया लेकिन आपने साथ गलत लिखने की वजह लिखी कि भाई इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ, यानी आपने अपनी अकाउंटिंग की मंतक पेश की कि आपने प्रूफ करने की कोशिश की, यानी आपने एक चीज लिखी क्यों मेरी नजर में वाई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये SBR के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज क्यों कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूं, मेरी नजर में ये सोल्यूशन क्यों है, आपने ये वजह लिखी और उसको उस पर फाइट की, आर्ग्यूमेंट दिया, वो आपको मार्क्स देगा, कुछ मार्क्स जरूर देगा। तो ये याद रखना, इफ यू आर राइट यू आर राइट, इफ यू आर रॉन्ग स्टिल यू मे बी राइट इफ यू हैव आर्ग्यूमेंट। ओके राइट, अब मैं आखिरी नसीहत आपको करके बस ये ऑफ कर रहा हूं,
वैसे बातें बहुत हैं लेकिन मैं एक लिमिट से ऊपर नहीं जा रहा। मैं हर हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, और ये मेरी बड़ी ऑनेस्ट एडवाइस है, वेरी ऑनेस्ट एडवाइस, कि कोई भी पेपर ऑप्ट करना हो पहले जाके इंटरनेट पे जाओ, ACCA ग्लोबल पे जाके उसका पास्ट पेपर खोलो, एक बार उसका पास्ट पेपर पढ़ो, आपका अंदाजा होगा आप क्या पेपर पढ़ रहे हो। चुपचाप पढ़ना शुरू कर देते हो टीचर से, नहीं पहले पास्ट पेपर देखो ताकि जहन बने कि यार असल चीज पास्ट पेपर है, देखो कि पास्ट पेपर कैसा आएगा, उसी हिसाब से आप फिर डिसीजन लो पेपर का, ये हमेशा देखा करो। तो अभी जाके अपने पास्ट पेपर को देखो, SBR के लेटेस्ट पास्ट पेपर एक बार पढ़ो, इन्वेस्ट योर टाइम, सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपनी प्रोडक्ट का ही बता दूं कि ये जो SBR है ये हमारा एक बड़ा सुपर हिट प्रोडक्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग एक्सेलेंट वर्ल्ड वाइड, और बहुत बच्चों की इसकी वजह से पोजीशंस भी आई हैं और बहुत बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर्स भी आए। लेकिन हाँ बात माननी होती है भाई, यहाँ वो क्या कहते हैं, अपने आप को मेरे हवाले कर दो बस, फिर मैं आप एक मोल्टन मेटल की तरह टीचर्स के सामने अपने आप को पेश करें, टीचर्स आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं उसको माने, तो टीचर हमेशा आपका रिजल्ट हमारी परफॉर्मेंस है, सही है। ठीक है, चलें अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आज यहीं तक रख रहे हैं, अल्लाह हाफिज़।